We decided who's going to wait for New Year's to make a New Year resolution. As such, bolu, I'm not someone who can keep New Year resolutions. मेरे New Year resolutions कभी भी complete नहीं होते. So I've decided to not make any New Year resolution this year. Many years I make New Year resolutions and I'm like, मैं ये करूँगी, वो करूँगी, ये करूँगी. First month में मेरे को full जोश रहता है, उसके बाद में full ठुस. So I'm like, this time हम लोग बोले wait for New Year's. जो भी करना, I'm gonna do it from today. From this moment. So हम लोग जिम आए, हमने डिसाइड किया कि हम रोज जिम आएंगे as much as in a week, maybe 5 times, 4 times, but we will definitely make it. So now Nicholas working out. I was just doing some warm up यहाँ पे and Skyu खेल रही है जिम में और जिम पूरा क्लीन है, just चालू हुआ है. So it's super clean, she can crawl and have fun too. Camera पे इतने clearly दिखता नहीं होगा, but because of regular walking and staying active and not sitting down whole day plus shifting to a lot of vegetables and fruits, मेरा अच्छा खासा 6 kg नीचे हो गया इन 1 month. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड सो मोटिवेटेड कि मैं और पुश करूँ अपने आप को, बिकॉज ऑनेस्टली गाइज, बॉडी पॉजिटिविटी इज ग्रेट. आई लव माई बॉडी एंड हाउ यू नो आई एम नॉट शाई कि आई एम फैट, आई पुट ऑन वेट, इट्स ओके, कम्प्लीटली ओके फॉर मी. बट द ट्रूथ इज दैट विथ बींग ओवर वेट बहुत सारे हेल्थ इशूज आते हैं एंड आई हैव फेस दैम. आई हैव फेस्ड एसिडिटी, आई हैव फेस्ड अटमोस्ट ब्लोटिंग, गैस मेकिंग मी फील पथेटिक. And because of weight, I also faced so many other issues, you know, mental imbalance bhi aa jata hai. So losing weight has now become very important for me to live a healthy lifestyle. So just wanna be as active as I can every day. Maybe har din gym nahi aaungi, but at least I make sure ki main bahar chalu ya ghar mein kuch yoga karu. Yoga also I want to learn a little more better. एंड घर पे आई ट्राई टू डू सम एरोबिक वर्कआउट. सो कुछ ना कुछ आई एम ट्राइंग टू फिट इन एवरी डे. स्किट लाओ, क्या हो रहा है बच्चा, मजा आ रहा है? ओ कोकोमेलन की फैन. आयु को बड़ा इंटरेस्ट है बड़ी की. स्किट इज अदरी, पापा क्या कर रहे हैं? व्हाट इज डैडा डूइंग? उसको साइड में लेके जा. थक गए. वर्कआउट जस्ट खत्म हुआ, बहुत अच्छा लगा. ऑल द डोपामाइन इज रिलीज्ड इन माय माइंड और निखिल और स्काई आर स्लीपिंग बाय द पूल साइड. उस टाइम बाद देखेंगे स्विम करने के बाद यहां पर मस्त लेटी है मॉम. वाओ, हेलो केड़ा डैडी प्रो मैक्स. यार आई विश आई न्यू हाउ टू स्विम यार. अबे 4 फीट के पानी में क्या स्विम? कुछ भी. अबे पानी 4 फीट का पानी है वो. तो एडल्ट्स कहाँ स्विम करते हैं? इधर ही स्विम करते हैं, एक ही है वो. ओ 4 फीट के बाद आपको बच्चे लोग भी है ना. देखो ना कितनी प्यारी लग रही है ऐसे सोते हुए छोटी सी चुन्नू. लोग रेडी होके निकले हैं आफ्टर ऑल द फूड एट होम फॉर क्रिसमस शॉपिंग. और स्काई को देखो एकदम हीरोइन लग रही है, कॉन्वर्स शूज, ड्रेस और साइड पाउच. कम ऑन, कम ऑन, लेट्स गो. सो हैप्पी शी इज. स्काई चलो टाटा बाद में बोलना, टाटा. स्किट्टू सबको टाटा बोलने गए. कम 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 कम, सो स्वीट, कम कम कम. सो लिटरली स्काई को उठाना पड़ा, शी जस्ट लव्स टू वॉक. वॉकिंग एग्जैक्टली येस्टरडे एंड बराबर से चल रही है वो. ऑफकोर्स चल चल के गिर जाती है, 5-6 कदम चल के गिर जाती है, बट इन अ मंथ और सो शी विल बी गुड. सो शी जस्ट लव्स टू वॉक ऑल द टाइम एंड सब लोग को टाटा 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 बोलती रहती है. सो इफ यू सी स्काई यू एनी वेयर, शी इज गोना से टाटा टाटा. सी सी टू टाटा टाटा. पीछे अभी भी स्काई के सारे गिफ्ट्स रखे हुए हैं. हाँ अभी भी रखे हुए. यू हैव टू अनरैप अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स स्काई, योर गिफ्ट्स. क्रिसमस ट्री एंड डेकोरेशन शॉप करेंगे.
कल हमने डेकोरेशन नहीं खरीदा लोखंडवाला से, बिकॉज लोखंडवाला फॉर सम रीजन इज ग्रेट प्लेस टू शॉप, बट हमेशा बहुत ज्यादा कोट करते हैं देन एनीवेयर एल्स. सो आई डिसाइडेड कि आज इन द इवनिंग वी विल गो टू बांद्रा हिल रोड और लिंकिंग रोड, और वहाँ पे एक्चुअली हिल रोड मोर, वहाँ पे बहुत सारे क्रिसमस ट्रीज मिलते हैं, वहाँ पे बार्गेन कर सकते हैं, बहुत सस्ता भी मिलता है. सो वी विल गो देयर. माई हेयर गाइज, यू मस्ट हैव सीन कि हमेशा स्ट्रेट रहता है. आई लव माई स्ट्रेट हेयर एंड मैं हमेशा स्मूदनिंग कराती हूँ एवरी 6 months, ताकि मेरे बाल एकदम स्मूद और मैनेजेबल रहे. बट राइट नाउ माई स्मूदनिंग इज वेयरिंग ऑफ एंड आई एम जस्ट गोना वेट फॉर सम टाइम एंड देन डू. आई डोंट लाइक माई हेयर व्हेन इट्स लाइक दिस, आई जस्ट डोंट लाइक इट. आई हैव टू स्टाइल इट, और मेरे को एक थोड़ा शूट भी करना है आज. एक्चुअली गॉट दीज टू न्यू टूल्स, वन इज द बी ब्लैंड प्रो टाइटेनियम ग्लाइड हेयर स्ट्रेटनर, विच इज अमेजिंग. यू कैन डू अमेजिंग कर्ल्स विद दिस. मैंने अभी तक सीखा नहीं है हाउ टू डू कर्ल्स विद अ स्ट्रेटनर, बट आई वॉन्ट टू लर्न इट विद अ यूट्यूब वीडियो, से जरूर सीखूँ. दिस इज समथिंग आई यूज ऑलमोस्ट एवरी डे. आई जस्ट लव दिस सो मच. दिस इज अ स्ट्रेटनिंग ब्रश गाइज, एंड ओ माई गॉड, इससे सारी फ्रिज जो है चली जाती है. एंड आई जस्ट लव हाउ वंडरफुल इट मेक्स माई हेयर लुक. मेरे बालों में बहुत ज़्यादा फ्रिज है यार. आई एम गोइंग टू यूज द हेयर स्प्रे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर आई पुट हीट ऑन माई हेयर. लाइक अबाउट दिस इज दैट इट हैज़ टेम्परेचर कंट्रोल फ्रॉम 160 degrees टू 220 degrees. तो आपको जो भी टेम्परेचर चाहिए आप उस पर इसको लॉक कर सकते हो. सो आई ऑनेस्टली लाइक टू स्टार्ट विद द हाइस्ट हीट सेटिंग बिकॉज माई हेयर नीड्स इट. दर इज अ लॉट ऑफ फ्रिज में आयोनिक टेक्नोलॉजी है, सो इट टेम्स फ्रिज एंड लीव्स योर हेयर सिल्की एंड स्मूद इन जस्ट फ्यू मिनट्स. दिस इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर द वेडिंग सीजन इफ यू आर लुकिंग टू स्टाइल योर हेयर नाइसली. सी द डिफरेंस, मैंने जस्ट थोड़ा सा यहाँ पे इससे कोम किया भी, एंड दिस इज सो स्मूद एंड सिल्की एंड फ्रिज फ्री, एंड इट लुक्स सो नाइस ऑन दिस साइड. एंड ये साइड भी अच्छा लग रहा है, बट देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रिज हियर एंड इट लुक्स लाइक इट्स नॉट स्ट्रेट. सो आई रियली लाइक दिस अबाउट इट. जस्ट 2 मिनट कोम करके मेरे बालों का इतने अच्छे से हो गया है साइड से. आई जस्ट लव दैट. Also, the best part about this straightening brush is that it has ceramic coating over the bristles. So, jo heat hai, it spreads evenly across the entire brush. And you know, you won't get like a burn or feel the heat over your scalp, jo bahut sari baar hota hai. Sometimes the brush gets overheated at one side and jab aap comb karo to aapko aapke scalp pe chatke lagta hai. Literally, mere saath ho chuka hai wo. It also has 2 times the frizz control. And it's done. I like this naturally straight hair look. Lekin aap iske saath multiple hairstyles kar sakte. Like you can do loose waves or you can do a little bit of those, you know, wavy ends. Wo bhi aap kar sakte ho uske saath. It's available on Amazon, Nykaa, Flipkart as well. Aap wahan se bhi khareed sakte ho. और जी हम पहुंच गए हैं बांद्रा, एंड बांद्रा इज लुकिंग फुली लिट. यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा हमको सस्ते में. ये बार बार एसी क्यों बंद करती है, मेरे को समझ में नहीं आता. She just likes it. बेटा फिर तुझे गर्मी लगेगी, ये देख कहाँ घुसी पड़ी है. आई एम नॉट श्योर कि निखिल को याद रहेगा, पर 2 साल पहले यहाँ से क्रिसमस ट्री खरीदी थी. हाँ याद है, शादी नहीं 4 साल पहले. 4 साल, 2 साल का हमारे 2 साल तो. वाओ, एब्सोल्युटली लविंग दिस वाइब्स हियर. को पता है कितने टाइम के बाद मैं बांद्रा के स्ट्रीट मार्केट पे खड़ी हूँ. इतना अच्छा लग रहा है. एंड नेवर कम हियर ऑन अ वीकेंड इफ यू डोंट वांट अ लॉट ऑफ क्राउड, लाइक सैटरडे एंड संडे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है यहाँ पे. आज फ्राइडे है तो बच गए, इतनी ज़्यादा क्राउड नहीं है, फिर भी क्राउड है. एंड लुकिंग सो लवली, मतलब मेरा कॉलेज जो था सेंट एंड्रूज था, यहीं पे था. सो आई रिमेंबर मैं ऑलमोस्ट एवरी डे स्ट्रीट शॉपिंग से कुछ ना कुछ लेती थी. सो टू मी इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक व्हेनेवर आई कम हियर, आई फील अमेजिंग. सो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्रिसमस ट्रीज है. आई रियली लाइक दिस वन और दिस वन. लेट्स सी कि कितना बोलता है. सो वी गॉट द क्रिसमस ट्री एट अ गुड डील एंड सम डेकोरेशन. ट्री में एक्चुअली ऑलरेडी बहुत सारे चेरीज एंड ऑल है, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है. एंड ओवर हियर यू ऑलवेज हैव टू बार्गेन. बांद्रा मार्केट का एक चीज़ है कि यू हैव टू ऑलवेज बार्गेन. एंड एक दुकान में नहीं, आपको हर दुकान में ऑलमोस्ट बहुत सारी सेम चीज़ें मिलती है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू बार्गेन एंड यू कंपेयर द प्राइसेस इन डिफरेंट शॉप, ओनली देन यू गेट अ गुड डील. वी हैव कम टू अ कैफे टू ईट फूड एंड स्कायू का चल रहा है डांडिया गरबा. लगेगा ना बेटा मुंह पे. तो
तभी हम घर आए शॉप करके एंड आई वाज जस्ट अनपैकिंग ऑल ऑफ स्कायूज गिफ्ट्स जो भी लोगों ने दिया, गाड़ी में रखी है सारी, बहुत सारी गिफ्ट्स अभी भी रखी हुई है. सो हम थोड़े थोड़े लॉट में खोलते हैं एंड ये सारे क्लोथ्स दिए सारे दोस्तों ने एंड एवरीथिंग इज मोस्टली पिंक एंड वाइट एंड स्कायू एब्सोल्युटली लव्स इट. थैंक यू एवरीवन. और ये बड़ा सा टेडी बेयर मेरी फ्रेंड जनेल ने दिया है स्कायू, वो भी बहुत अच्छा लगा स्कायू को. स्कायू इज जस्ट चेकिंग आउट ऑल हर गिफ्ट्स. वेयर आर यू गोइंग? गोइंग टू अवर हाउस. Okay. Dada has gone for his IIT event and मैंने स्कायू के कपड़े चेंज किए अभी. स्कायू woke up from a nap. We made her wear a Christmas kind of dress today. ये विराज और पारुल ने गिफ्ट दिया था उसके बर्थडे पे. So I made her wear red because we're all going to wear red today and decorate the Christmas tree. How would you do that? अभी हम जस्ट रेडी हुए, ऑल ऑफ अस आर वेयरिंग रेड. आई एम गोना डेकोरेट द क्रिसमस ट्री एंड आई वांट टू मेक दिस रियली नाइस क्रिसमस रील, क्योंकि हमारा इस घर में पहला क्रिसमस है. एंड इवन स्काई का अपेरेंटली लास्ट ईयर तो बहुत छोटी थी, लाइक 12 दिन की थी, एंड नाउ इट्स गोना बी हर प्रॉपर फर्स्ट क्रिसमस टू. इतना कुछ समझता नहीं, पर थोड़ा थोड़ा कुछ समझता है. सो आई वाज लाइक वी ऑल थ्री विल वेयर रेड एंड वील डेकोरेट अ क्रिसमस ट्री एंड मेक अ वंडरफुल रील. वेरी क्विकली आई डिड दिस ब्यूटिफुल क्रिसमसी मेकअप विच टुक मी जस्ट 5 मिनट्स. तो इसका रील मैं जरूर बनाऊंगी, हाउ टू गेट दिस लुक जस्ट इन लाइक 5 मिनट्स, सुपर इजी सुपर क्विक. इट्स सो लवली. तो ये जो है हमारा क्रिसमस ट्री, अभी इसको हम अनबॉक्स करके बना देंगे. काफी इजी है बनाना. वेयर इज द क्रिसमस ट्री? और हम लगाने वाले हैं. और स्कायू को बड़ा ये है कि नो स्कायू प्लीज नो नो. क्रिसमस ट्री जो है बन गया है. लाइक यू कैन सी दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री. प्रॉब्ली मेरे पूरे लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल दिखने वाला क्रिसमस ट्री ये है. एंड ये हमारा क्रिसमस ट्री रहने वाला है फॉर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, जब तक कि स्काई बड़ी ना हो जाए और झाड़ को खींच के नीचे ना गिरा दे. तो तब तक हम यही क्रिसमस ट्री यूज करेंगे. इसमें थोड़े चेरीज और फ्लावर्स ऑलरेडी है. और मेरे पास डेकोरेशन जो मैंने कल खरीद के लाया, कुछ आज मुझे गिफ्ट मिले जो बहुत प्यारे है. सो आई वांट टू डेकोरेट ऑन दिस, पुट अ क्रिसमस ट्री एंड देन पुट इट आउट ऑन द बालकनी, द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस इन द हाउस. The look, this is how my Christmas tree is looking and hands down has to be the best Christmas decoration I've ever done. इस बार मैंने कलर कोऑर्डिनेट किया, just got silver and red decoration and you can see how the tree is going in so much sync. I'm so happy. Successfully Christmas tree को बाहर डाल दिया है grill के, because we don't want to take a chance at all with Sky. Sky already बहुत ज़्यादा mesmerized है इसको देख के. So I'm just gonna close this ताकि ये safe रहे. I'm so happy with the way my Christmas tree looks. और थोड़ा बाकी का डेकोरेशन हम करेंगे, स्टार लगाना, दरवाजे के बाहर डेकोरेशन करना एंड ऑल ऑफ दैट. तो मैंने अपना कपड़ा चेंज कर लिया बिकॉज वी आर गोइंग आउट फॉर अ ड्राइव एंड आई एम लुकिंग गुड, आई लाइक इट. ऑल्सो गाइज, दिस इज अ शैंजेनिक्स ड्रेस, इसका लिंक विल बी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू. आप लोग चेकआउट करके जरूर उस ड्रेस को शॉप कर सकते हो. और सारे शर्ट्स भी, निखिल का ये शर्ट भी इज जस्ट परफेक्ट फॉर क्रिसमस एंड फॉर द पार्टी सीजन. तो यू गाइज कैन चेक आउट दिस शर्ट टू फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड गाइज दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग. ब्लॉग देखिए अच्छा लगा हो. इफ यू डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन.